Hello students, I welcome all of you our YouTube channel Inspiring Mathematics by Anup Mudgal. बच्चे last lecture में हमने differential equation chapter को complete किया था. आज का जो हमारा lecture है, हम इस lecture में अपना नया chapter start कर रहे हैं जिसका नाम है vectors. तो vectors हम इस lecture से start करने वाले हैं. आपने जो भी बच्चे नॉन मेडिकल से हैं, उन्होंने वेक्टर्स के बारे में पहले फिजिक्स में भी पढ़ लिया है. तो बात अगर मैं करूं वेक्टर्स के ऊपर, वेक्टर्स की डेफिनेशन के ऊपर, तो आप सबने पहले पढ़ा हुआ है, अब फिर जान लेते हैं. एक्चुअली दो चीजें हम मैथमेटिक्स में मेजर करते हैं. एक जो क्वांटिटी होती है वो स्केलर होती है, और जो दूसरी क्वांटिटी है वो वेक्टर्स क्वांटिटी होती है. एक तो होते हैं स्केलर्स और एक होते हैं वेक्टर्स. तो स्केलर्स क्या होता है? दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन. ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ क्या हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन हो कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वो स्केलर है. वेक्टर्स में क्या होता है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. देखिए जरा इस बात को समझिए कि इसमें क्या कह दिया. अगर मैं ये कहूं कि कोई दो पॉइंट है ए और बी, हम पॉइंट ए और पॉइंट के बीच, बी के बीच का डिस्टेंस देख रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में. ये लेट अस सपोज ये आपका दिल्ली है, ये मुंबई है, राइट. ये एक सिटी हो गई दिल्ली, ये एक सिटी हो गई मुंबई. दिल्ली से मुंबई के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट अस सपोज वो डिस्टेंस हमने 1000 किलोमीटर कह दिया, राइट. दिल्ली से मुंबई का बीच थोड़ा और कम कर लेते, काफी ज्यादा हो गया. ये हमने कह दिया 500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर. दिल्ली से मुंबई के बीच का जो डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर है. तो जो दिल्ली से मुंबई के बीच का डिस्टेंस है ना, ये जो 600 किलोमीटर है, ये मैग्नीट्यूड को बता रहा है. अगर मुझे सिर्फ ये देखना हो कि दिल्ली से मुंबई के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 600 किलोमीटर है, ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली से मुंबई के बीच का डिस्टेंस करें या मुंबई से दिल्ली का डिस्टेंस करें, अगर कोई दिल्ली से मुंबई गया है, दिल्ली से मुंबई गया है, तो उसने 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है. और अगर कोई मुंबई से वापस दिल्ली आया है, तो उसने भी 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है. दोनों ही केस में जो ये 600 किलोमीटर है, ये मैग्नीट्यूड है. लेकिन अगर यहां पर ये फिक्स हो जाए कि कौन कहां से कहां तक गया है, इनिशियल पॉइंट क्या था और एंड पॉइंट क्या था, तो उस पर डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी. जब उस पर डायरेक्शन फिक्स हो गई, तो हमें दो चीजें मिल गई. हमें यह पता लग गया इनिशियल क्या और फाइनल क्या, कहां से कहां तक गए हैं, और मुझे यह भी पता लग गया कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल करके गया है. तो जब दो चीजें, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, दोनों पता लग जाए, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, अब अगर ये पता लग जाए कि दिल्ली से मुंबई गया है, दिल्ली से मुंबई गया है, तो ये एरो का साइन लगाएंगे. ये जो एरो का साइन है, ये वेक्टर बता रहा है कि दिल्ली से मुंबई गया है. तो जो डी है, ये इनिशियल पॉइंट है. जो एम है, ये टर्मिनल पॉइंट है. टर्मिनल पॉइंट इसको नाम देते हैं. अगर कोई मुंबई से दिल्ली आया है, तो ये नहीं कि इस एरो का साइन उल्टा कर देंगे, ऐसा नहीं. एरो का साइन तो ये रहेगा, मुंबई से दिल्ली, ऐसे ये वेक्टर बनेगा.
तो जब मैं दिल्ली से मुंबई एरो का साइन लगा रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि दिल्ली से चले मुंबई पे पहुंचे. इनिशियल पॉइंट दिल्ली, टर्मिनल पॉइंट मुंबई, और एरो का साइन यह बता रहा है कि यहां से यहां तक गए. और दिल्ली से मुंबई जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना था 600 किलोमीटर. तो इस डीएम वेक्टर में एक तो मुझे यह पता चल रहा है कि डायरेक्शंस क्या हैं, और एक मुझे पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड कितना है. ऐसे ही मुंबई दिल्ली जो वेक्टर बना, इसमें मुझे यह पता चल रहा है कि डायरेक्शंस क्या हैं. आई मीन इनिशियल पॉइंट ये है, टर्मिनल पॉइंट ये है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना था, दैट इज 600 किलोमीटर. That's all about vectors, magnitude as well as direction. Scalar में सिर्फ magnitude रहता है, मतलब ये कहा जाएगा कि जो दिल्ली से मुंबई के बीच का distance है वो 600 किलोमीटर है. तो दिल्ली से मुंबई को या मुंबई से दिल्ली को, दोनों के बीच का distance 600 है. ये scalar quantity है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ magnitude आ रहा है. आई होप आपको यह समझ में आया होगा वेक्टर और स्केलर्स के ऊपर दोनों में क्या डिफरेंस है. अब एक चीज जरा समझते हैं इन सब बातों को लेकर के. एक चीज मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वहां से आप बड़े अच्छे से समझें, ठीक है. इस बात को हम बहुत जगह पर यूज करेंगे. देखें, ये कोई लाइन है एल, ये कोई लाइन है L, जिसका कोई इनिशियल पॉइंट नहीं, कोई एंड पॉइंट नहीं. आप सब जानते हो लाइन का कोई भी कहते हैं ना शुद्ध हिंदी में उद्गम स्थान नहीं है, मतलब स्टार्टिंग नहीं है, और कोई अंत भी नहीं है, ना उद्गम है ना अनंत है, अंत है. तो वो लाइन है, मतलब आप इसको ऐसे एक्सपेंड करते चलो कहीं इसका एंड नहीं होगा. ये एल एक लाइन है. अब इस L लाइन के ऊपर, इस L लाइन के ऊपर हमने कोई दो पॉइंट फिक्स किए, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया. तो जो ये AB है, ये जो AB है ये लाइन सेगमेंट है. जो AB है वो क्या है, लाइन सेगमेंट. ये छोटी क्लासेज में आप सबने पढ़ा हुआ है. इस लाइन का ही एक सेगमेंट है कौन, AB. अब अगर हम ये कहें कि पॉइंट ए से चले बी पे पहुंचे, तो ये डायरेक्शन बनानी पड़ेगी. इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, तो ये ए बी वेक्टर बन गया, राइट. और अगर मैं इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, ये मैग्नीट्यूड का साइन, अगर मैं इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये ए से बी के बीच के डिस्टेंस को बताएगा. मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगी जो ये बताएगा कि ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है. देखिए, अब जरा इस बात को समझिए आप. जब मैं ये ए बी वेक्टर लिखता हूं तो इस ए बी वेक्टर के लिए तीन चीजें मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं. एक तो इसमें मैं बताना चाह रहा हूं स्पोर्ट, एक मैं बताना चाह रहा हूं लेंथ, और एक मैं बताना चाह रहा हूं सेंस. जो यहां पर ए बी वेक्टर बना है, इस ए बी वेक्टर का जो स्पोर्ट है वो एल है. इस ए बी वेक्टर का स्पोर्ट क्या है, एल. मतलब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर बेसिकली किस लाइन पे बना है वो इसका सपोर्ट है. मतलब जो पॉइंट ए और जो पॉइंट बी था, पॉइंट ए और पॉइंट बी किस पे था, इस एल लाइन पे था. तो जो ए बी वेक्टर बना, इस ए बी वेक्टर का सपोर्ट कौन है, एल है इसका सपोर्ट. फिर बात आती है लेंथ की. लेंथ का मतलब है कि ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है. किसी भी वेक्टर की जब हम लेंथ निकालते हैं तो किसी भी वेक्टर की लेंथ निकालने का मतलब कि जिन दो पॉइंट से वो वेक्टर बना है उन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, और वो डिस्टेंस बताएगा ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. जब हम किसी भी वेक्टर का
जब हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करेंगे, जब हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करेंगे तो वो उसके लेंथ को ही बताएगा कि उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना बना। और सेंस, सेंस का मतलब हो गया डायरेक्शन से, सेंस का मतलब हो गया डायरेक्शन कि उस वेक्टर की डायरेक्शंस क्या रही। तो अगर मैं यहां ए बी वेक्टर ये ऐसे लिखूं तो ये इसकी सेंस को बता रहा है। सेंस का मतलब डायरेक्शन, और डायरेक्शन का मतलब ये बताना कि कौन इनिशियल पॉइंट और कौन टर्मिनल पॉइंट है। तो जो ए है, यहां पर ए आपका हो गया इनिशियल पॉइंट और बी हमारा हो गया टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। तो किसी भी वेक्टर के साथ तीन चीजें जुड़ी हुई होती है, एक तो स्पॉट वो किस लाइन पे है, एक लेंथ उसके बीच का जिस दो पॉइंट से वो वेक्टर बना है उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, और एक सेंस मतलब डायरेक्शन क्या है, कौन इनिशियल पॉइंट और कौन एंड पॉइंट है। तो आपको थोड़ा सा ये बेसिक वेक्टर्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि वेक्टर्स को कैसे बनाया जाता है, राइट। ए बी वेक्टर ऐसे लिखते हैं, जब इसको पॉइंट में ना लिख करके किसी आर वेक्टर, ए वेक्टर ऐसे किसी स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब इस ए बी वेक्टर को मैं आर वेक्टर ऐसे नाम दे सकता हूं, दो पॉइंट्स में ना लिख करके सिंपल एक कोई नाम दे करके लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक में चलते हैं, इसी में ही वेक्टर्स में चलते हैं। अब हम वेक्टर्स को क्रिएट करना सीख रहे हैं कि किसी वेक्टर को कैसे बनाया जाए और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए, ठीक है। इस बात पे आते हैं अब हम। देखिए बच्चे, ये हमने थ्री डायमेंशनली एक प्लेन बनाया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब कोई पार्टिकल है वो यहां ओरिजिन पे था, ये जीरो 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 हो गया, ठीक है। ओरिजिन से वो पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ आया, यहां एक्स एक्सिस की तरफ आया इतना, लेट अस सपोज इतना आया, तो उस पार्टिकल ने यहां से यहां तक एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट अस सपोज एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। वो जब y एक्सिस पे गया तो उसने y डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस y डिस्टेंस हो गया, और z एक्सिस पे जब आया तो उसने z डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहां जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ऐसा 3D में एक शेप बनेगी इस तरीके से। तो अगर मैं ये देखना चाहूं कि यहां पर वेक्टर क्या बना, तो मुझे ये देखना होगा कि ये पार्टिकल किस पॉइंट पे था स्टार्टिंग में और लास्ट में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर ये कितना कितना पहुंचा, तो क्या पॉइंट बन गया। आई मीन स्टार्टिंग में ये ओरिजिन 000 पे था और लास्ट में पी पॉइंट पे पहुंचा, जो एक्स एक्सिस पे गया एक्स, वाई एक्सिस पे वाई, जेड एक्सिस पे जेड। तो इनिशियल पॉइंट ये है, टर्मिनल पॉइंट ये है, मतलब इसका मतलब यह है कि स्टार्टिंग में एक्स एक्सिस पे जीरो था, फाइनली एक्स एक्सिस पे एक्स तक गया, स्टार्टिंग पे वाई एक्सिस पे जीरो था और फाइनली वाई एक्सिस पे वाई तक गया, स्टार्टिंग में जेड एक्सिस पे जीरो था और जेड एक्सिस पे कहां तक गया, जेड तक गया। तो इसका वेक्टर क्या बनेगा, तो पॉइंट ओ से पी तक गया, ओपी वेक्टर मैंने इसको नाम दे दिया। ये ओपी वेक्टर क्या होगा, ओपी वेक्टर बनाने का तरीका होगा कि जहां पहुंचे हो उसमें से माइनस कर दो जहां से चले थे। तो जीरो से स्टार्ट हुआ एक्स तक गए, जीरो से स्टार्ट हुआ एक्स तक गए, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो कितना आएगा, एक्स। जीरो से चले एक्स पे पहुंचे तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, एक्स माइनस जीरो एक्स। लेकिन यहां पे तो एक्स वाई जेड मैंने लिख दिया, तो आपको समझ में आ रहा है कि एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे है। ये बताने के लिए कि ये जो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये किस डायरेक्शन में है, वेक्टर्स के साथ डायरेक्शन बतानी होगी। एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे हो सकता है कि वो पार्टिकल यहां से यहां तक गया हो, एक्स एक्सिस पे नहीं गया बल्कि एक्स एक्सिस के पैरेलल गया, लेट अस सपोज वो यहां से
यहां तक गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल गया, तो डायरेक्शंस क्या होंगी? एक्चुअली जो ये एक्स एक्सिस है ना बच्चे, इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप ये यूज होता है। इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन यूज होगा? आई कैप। अभी भी मैं इसके बारे में बताऊंगा कि एक्चुअली आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है। ये अभी एक यूनिट वेक्टर का जब कंसेप्ट आएगा तब मैं वहां पे एक बार फिर इसकी डिटेलिंग करूंगा कि एक्चुअली है क्या। अभी फिलहाल इतना समझें कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल होगा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं, इसके पैरेलल, इसके डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं तो उसके साथ आई कैप लिखेंगे, प्लस करके अब जीरो से चले वाई पे पहुंचे तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? वाई माइनस जीरो वाई विद डायरेक्शन जे कैप। एक्चुअली जो ये वाई एक्सिस है इसकी डायरेक्शन जे कैप से रिप्रेजेंट होती है, और जो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया ये जीरो से जेड तो जेड हो गया, और जो जेड एक्सिस की डायरेक्शन है उसको हम के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके साथ आएगा के कैप। तो वेक्टर जब कोई बनता है तो वो ऐसे फॉर्मेशन में आता है, राइट। ओपी वेक्टर क्या बना? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आप ये समझें कि आई कैप, जे कैप और के कैप क्या है, इसमें ज्यादा समझने की बात यही है। ये इनके डायरेक्शंस को बता रहे हैं कि इनके साथ इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसके पैरेलल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकता है। अभी यूनिट वेक्टर में आएगा तब और भी अच्छा क्लियर होगा कि एक्चुअली ये क्या है। अब मुझे अगर ये देखना हो कि इस ओपी वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, अगर मैं इस ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो इसके लिए फॉर्मूला होगा अंडर रूट, इस ओपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा इसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट, जो आई कैप के आगे है उसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब ये आएगा एक्स स्क्वायर, प्लस जो जे कैप के आगे है उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर, प्लस जो के कैप के आगे है उसका स्क्वायर कर देंगे ये आएगा जेड स्क्वायर। तो जो ओपी वेक्टर बन गया वो बन गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और बच्चे ये जो ओपी वेक्टर है ये एक्चुअली ये बताएगा कि ओ से पी तक का डिस्टेंस कितना हुआ, और ये बात बिल्कुल सही भी है। देखो जरा आप सोचो, अगर मैं ओ से पी का डिस्टेंस देखता तो ओपी डिस्टेंस, अपना फॉर्मूला लगाओ जो 10th और 11th में पढ़ा है, डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालो, क्या फॉर्मूला आता? x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो O से P का डिस्टेंस यही बनता ना, और इसका मैग्नीट्यूड भी तो यही बता रहा है। तो जब हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो एक्चुअली उसका डिस्टेंस बता रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, राइट। तो आपको यह सब समझ में आया होगा कि किसी भी वेक्टर की फॉर्मेशन ये कैसे होती है और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा। देखिए जरा एक और चीज समझिए इसमें, लेट अस सपोज अगर हमें कोई दो पॉइंट दिए गए हैं, आपको क्वेश्चन में क्या होगा, कोई दो पॉइंट दिए गए होंगे और वहां से हमें वेक्टर्स निकालना होगा। लेट अस सपोज ए एक पॉइंट है x1 y1 z1 और बी एक पॉइंट है x2 y2 z2। तो अगर मैं यहां से ए बी वेक्टर बनाऊं, ए बी वेक्टर अगर मैं बनाऊं तो ये क्या बनेगा, x2 माइनस x1, पहले x एक्सिस पे देख लीजिए, x2 माइनस x1 विद आई कैप, डायरेक्शन आई कैप है x एक्सिस पे, प्लस करके फिर आएगा y2 माइनस y1 विद डायरेक्शन j कैप, प्लस करके फिर आएगा z2 माइनस z1 विद डायरेक्शन k कैप। ये वेक्टर बन गया। अब अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूं, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ
जो आई कैप के आगे है उसका स्क्वायर, मतलब ये आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस जो जे कैप के आगे है उसका भी स्क्वायर, तो ये बनेगा वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जो के कैप के आगे है उसका स्क्वायर, तो जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर। ये इस AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। और एक्चुअली में जब किसी भी वेक्टर का जो ये हम मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, ये एक्चुअली में A से B का डिस्टेंस ही है। अगर हम A से B का डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस फॉर्मूले से यही तो आएगा, आप करके देख लीजिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। आई मीन अगर AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू AB लिख दिया जाए तो कुछ गलत नहीं। मतलब AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बताएगा? AB बताएगा, और AB आपने प्रीवियस क्लासेस में छोटे क्लास में पढ़ा है, जब हम AB लिखते हैं तो AB लिखने का मतलब यही है कि A से B का डिस्टेंस कितना है, AB की लेंथ कितनी है, तो AB की लेंथ ही तो बताएगा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस सेक्शन में अभी हमने पिछले सेक्शन में हमने मतलब इससे पहले हमने वेक्टर्स का बेसिक जाना था कि वेक्टर्स क्या है, वहां मैंने स्पोर्ट लेंथ और सेंस पे बात की थी। अभी हमने वेक्टर्स की फॉर्मेशन करना सीखा और इसका मैग्नीट्यूड निकालना सीखा, और मैंने आपको बताया कि एक्चुअली वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे की बातें स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चे अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स की, वेक्टर्स की क्या क्या टाइप्स हैं वो हम कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ वेक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला है नल वेक्टर, या फिर हम इसको जीरो वेक्टर भी कह सकते हैं। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर का मतलब है दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, वो सभी वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल आए, जैसे आर वेक्टर से वो सब मैंने नाम दे दिए। ठीक है, वो सभी वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड जीरो के इक्वल आए वो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर होगा। देखिए इस बात का थोड़ा सा हम डिटेल में भी जाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर जीरो है तो वो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर ही क्यों बनेगा। हमने अपनी तरफ से ये आर वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कह दिया, जनरल फॉर्म में यही बनता है। भाई आप सबको मालूम है एक्स वाई जेड तो कुछ भी हो सकते हैं, तो आर वेक्टर हमने कहा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर इसका मैग्नीट्यूड जीरो हुआ तो देखना एक बात, अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हुआ तो आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखेंगे? अंडर रूट जो आई कैप के आगे उसका स्क्वायर, जो J कैप के आगे उसका स्क्वायर, जो K कैप है उसका स्क्वायर, I J K के जो आगे X Y Z है उनके स्क्वायर का सम इज इक्वल टू जीरो। अंडर रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया, तो ये बन गया X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। जस्ट थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट माई स्टूडेंट्स, क्या कि एक्स वाई जेड कोई तीन नंबर है, एक्स वाई जेड यहां कोई तीन नंबर थे, उनके स्क्वायर का सम किया गया, उन तीनों के स्क्वायर का सम जीरो के इक्वल आया। इमेजनरी नंबर्स को तो छोड़ दो क्योंकि इमेजनरी नंबर्स का तो काम ही नहीं हो रहा, ये सब रियल वैक्टर्स पे बात चल रही है, तो एक्स वाई जेड रियल नंबर्स है। दुनिया के किन्हीं भी रियल नंबर्स को सोच लो, उनके स्क्वायर का सम कभी जीरो आ ही नहीं सकता अनलेस कि वो तीनों ही जीरो ना हो। अगर एक्स वाई जेड तीनों अगर जीरो हैं, एक्स वाई जेड अगर तीनों जीरो हैं तो ही इन तीनों के स्क्वायर का सम जीरो आएगा, अदरवाइज कोई भी नंबर रखोगे उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो गया। कोई भी रियल नंबर रखोगे स्क्वायर करोगे पॉजिटिव, कोई भी रियल नंबर स्क्वायर करोगे पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव चीजों को ऐड करोगे तो वो जीरो तो कभी आएगा ही नहीं। सिर्फ एक ही केस ऐसा रह गया जो इसको जीरो बनाएगा, क्या कि एक्स वाई जेड सभी की वैल्यू जीरो रहे। और बच्चे
x y z अगर सभी की वैल्यू जीरो है तो जो r वेक्टर बनेगा वो कितना बन गया, 0i plus 0j plus 0k, तो r is equal to ये पूरा का पूरा क्या बन गया, जीरो वेक्टर। ठीक है, पूरे इसको डिटेल में हम ऐसे लिखेंगे, r is equal to 0i plus 0j plus 0k, पक्की बात है। तो जब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है तो वो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, ये श्योर है। सेकंड हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट वेक्टर, ध्यान से समझना इसको कि यूनिट वेक्टर क्या बताता है। एक्चुअली यूनिट वेक्टर आर दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज वन, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर वन के इक्वल आता है तो वो यूनिट वेक्टर है, और इसके ऊपर कैप लगा करके लिखा जाता है, ये कैप आएगी तो जिसके ऊपर भी कैप आ रही है ना वो यूनिट वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड वन है। जैसे आई कैप है, आई कैप, जे कैप, के कैप, तो अगर मैं आई कैप का मैग्नीट्यूड करूं तो ये वन है, जे कैप का मैग्नीट्यूड करूं तो ये वन है, के कैप का मैग्नीट्यूड करूं तो ये वन है, ये आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर वन आता है तो यूनिट वेक्टर है। निकालते कैसे हैं और ये क्या बताता है, ये बात जानने की ज्यादा जरूरी है। ये तो सिर्फ पहचान हुई कि कौन वेक्टर यूनिट वेक्टर है। अब देखिए हर वेक्टर का अपना यूनिट वेक्टर निकाला जा सकता है। कैसे, अगर हम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालें तो ऊपर तो वो वेक्टर रहेगा, नीचे उसका मैग्नीट्यूड रहेगा। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर। जैसे एक कोई वेक्टर है, जैसे ये आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो ऊपर तो क्या रखेंगे, आर वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालूं तो ऊपर तो आर वेक्टर और नीचे इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आई मीन आर कैप इज इक्वल टू ऊपर तो आर वेक्टर, आर वेक्टर का मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कितना है मैग्नीट्यूड, अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। ठीक है, अब जरा देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर है उन सबको हम इन सब के नीचे अलग अलग लिख दें। सो आर कैप इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर आई कैप प्लस वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर जे कैप प्लस जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर के कैप। ये बना ना, एक्स के नीचे ये प्लस वाई के नीचे ये प्लस जेड के नीचे ये बना। तो ये जो आर वेक्टर था, आर वेक्टर हमारा कितना था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस आर वेक्टर का, इस आर वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर आया वो ये आया, इस आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर ये आया। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड करूं तो देखो आप इसका मैग्नीट्यूड वन ही आएगा, कैसे, अंडर रूट जो आई कैप के आ गया उसका स्केयर, तो ये बनेगा एक्स स्केयर अपॉन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस जो जे कैप है उसके आगे का स्केयर, तो ये बनेगा वाई स्केयर अपॉन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस इसका स्केयर जेड स्केयर अपॉन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। इन तीनों से एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर एलसीएम आ गया, ये डिवाइड तो एक्स स्केयर, ये डिवाइड तो वाई स्केयर, ये डिवाइड तो जेड स्केयर, ये कैंसिल, वन वन का अंडर रूट वन आ गया। दैट्स वाई हर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होगा, और यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका ये होता है। मैंने इससे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया, और यही रीजन है ये फॉर्मूला ऐसे सेट हुआ है कि मैग्नीट्यूड वन ही आएगा। बच्चों अभी तक मैंने बात की कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन आता है, यूनिट वेक्टर को निकाला ऐसे जाता है। अब मेन बात, एक्चुअली किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर
है क्या, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो मेरी बात सुनना, ये आर वेक्टर है और ये आर कैप, ये आर कैप इस आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर एक ऐसा परमानेंट वेक्टर होता है जो उसके पैरेलल है, मतलब जो उसी की डायरेक्शन में है। दिस इज द वेक्टर विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। एक मतलब किसी भी वेक्टर के, आपसे कोई पूछे कि एक वेक्टर दे दिया और आपसे कहे कि इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर निकालिए, तो आप क्या करो, उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसके पैरेलल रहने वाला वेक्टर है, उसी की डायरेक्शन में रहने वाला वेक्टर है। देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको ये बात क्लियर करता हूं। एक वेक्टर हमने लिया a इज इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, और मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, अंडर रूट आई कैप के आगे का स्केयर, जे कैप के आगे का स्केयर, के कैप के आगे का स्केयर, अंडर रूट 14 आ गया। तो बच्चे इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या रहेगा, ऊपर तो ये वेक्टर और नीचे इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 14। तो ए कैप कितना आया, 1 बाई अंडर रूट 14 आई कैप प्लस 2 बाई अंडर रूट 14 जे कैप प्लस 3 बाई अंडर रूट 14 के कैप। दिस इज द वेक्टर, ये एक ऐसा वेक्टर है जो इस ए वेक्टर के पैरेलल है, मतलब इसकी डायरेक्शन में है। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। ये इसकी एक स्पेशल कहानी है कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर उसके पैरेलल रहने वाला एक वेक्टर होता है, उसी की डायरेक्शन में चलने वाला एक वेक्टर है, और उसका स्पेशल ये है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसको मैं थोड़ा और ट्विस्ट लाते हैं। आपसे कोई ये पूछे कि कोई एक, जैसे ये एक वेक्टर दे दिया और आपसे ये पूछता एक वेक्टर निकालो जो इसी की डायरेक्शन में है, तो आप फटाफट यूनिट वेक्टर निकाल के दे देते, ये पक्की बात है ये वेक्टर इसी की डायरेक्शन में है। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि एक वेक्टर निकालो जो इसके डायरेक्शन में हो और उसका मैग्नीट्यूड 5 हो या 7 हो, एक वेक्टर निकालो जो इसके डायरेक्शन में हो और उसका मैग्नीट्यूड 7 हो, तो क्या करते, ये जो वेक्टर आया ये पक्की बात है ये जो वेक्टर है ये इस वेक्टर के क्या है, इसके पैरेलल है, इसी की डायरेक्शन में है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है। मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इसके पैरेलल है और उसका मैग्नीट्यूड 7 है। तो मैं क्या करूंगा, आर, उस वेक्टर का नाम आर दे दूंगा और इस यूनिट वेक्टर को प्लस माइनस 7 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, प्लस माइनस 7 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। ऐसा क्यों किया, देखो अभी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 था। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो मैग्नीट्यूड अब इसका 7 आएगा। और किसी भी पैरेलल वेक्टर को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके पैरेलल का नेचर नहीं बदलेगा। एक चीज, एक लाइन ये है, जैसे ये है, ये एक वेक्टर है और इसके पैरेलल ये वेक्टर जा रहा है, तो ये चाहे इसका दुगुना जाए या तिगुना जाए है तो इसके पैरेलल ही। अभी तो इसका मैग्नीट्यूड लेट अस सपोज 1 था, यहां तक 1 था और अब मैग्नीट्यूड 7 हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है तो पैरेलल ही है, तो ये इस लाइन के पैरेलल ही। तो कहानी क्या हुई है, कहानी ये हुई है कि अगर किसी भी वेक्टर का ये पूछे कि उसके पैरेलल उसी की डायरेक्शन में रहने वाला एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड फलाना फलाना जो भी कह दे, तो यूनिट वेक्टर को उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दो। लेकिन यहां यूनिट वेक्टर नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि यूनिट वेक्टर तो तब लिखेंगे जब उसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यहां पे तो इसका मैग्नीट्यूड अब 7 आ गया। ऐसे आपसे ये कहे कि एक वेक्टर है जो इसके पैरेलल है और इस, मतलब एक वेक्टर है
और ये कह दे कि इसके पैरेलल रहने वाले कोई पांच वेक्टर निकालो, तो पांच क्या लाखों करोड़ों निकाल सकते हैं? यूनिट वेक्टर निकाल दो, यूनिट वेक्टर तो एक ऐसा फिक्स वेक्टर हो गया जो इसके पैरेलल है, और इसको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराओगे तो मैग्नीट्यूड बदलता रहेगा लेकिन डायरेक्शन तो वही रहेगी जो इस यूनिट वेक्टर की थी इसके प्रस्पेक्टिव में। आई थिंक आपको बात समझ में आ गया होगा। और बच्चे जब मैं अभी मैं उस बात पे चलता हूं, मैं आपको बोल रहा था कि जब यूनिट वेक्टर आएगी तो मैं एक्स आई कैप के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है आई कैप एक्चुअली में इस एक्स एक्सिस के पैरेलल चलने वाला एक वेक्टर है। आई कैप इस एक्स एक्सिस के पैरेलल चलने वाला एक वेक्टर है। अब अगर डिस्टेंस एक्स कर दिया तो एक्स आई कैप मैग्नीट्यूड बदल गया लेकिन डायरेक्शन तो एक्स एक्सिस के साथ ही रहेगी। जे कैप वाई एक्सिस के पैरेलल चलने वाला, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में चलने वाला, जो जे कैप है वो इस वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, जो आई कैप है वो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, जो के कैप है वो इस जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में डिस्टेंस एक्स ट्रेवल हुआ है तो एक्स आई कैप, अब मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन तो इस आई कैप में ही रहेगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे वाई जे कैप और ऐसे जेड के कैप, जैसे हमने कहा कि एक्स एक्सिस में डिस्टेंस 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो आई कैप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बता रहा है ना, तो अगर मैं 5 आई कैप कर दूं तो 5 आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही चलने वाला ये एक वेक्टर है, कौन 5 आई कैप, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 5 हो गया क्योंकि जब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो 5 का तो कांस्टेंट बाहर आ गया, आई कैप का मैग्नीट्यूड ये हो गया 1, तो 5 × 1 = 5 आएगा ना। तो एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 5 किलोमीटर ही तो हुआ था। आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा अच्छे से कि यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है। चलिए बच्चे इस लेक्चर में इतना ही करते हैं बस, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी और भी टाइप्स के बारे में जानेंगे। तब तक आप इस सारे लेक्चर के जितने भी की पॉइंट्स हैं वो सब नोट कर लें और अच्छे से इसको समझें। थैंक यू वेरी मच।